जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का व्लॉग बनने वाला है रामगढ़ से माया टुंगरी, और हमारे साथ हमारे भाई भी है रिशु, ध्रुव और एक बंटी, जो हम लोग अभी जाएंगे। हम लोग वहाँ से अब निकल चुके हैं वीमार्ट से, और हम लोग पहुँच चुके हैं एमएमटी ग्राउंड, और एमएमटी ग्राउंड क्रॉस करके हम लोग बाजार समिति पहुँचने वाले हैं। उसके बाद फिर कोठार फोर लाइन चढ़ के उससे ही हम लोग माया टुंगरी जाएंगे, और पीछे जंगल से ही चढ़ के आप लोगों को वहाँ का व्यू और नज़ारा दिखाएंगे। हम लोग बाजार समिति क्रॉस कर चुके हैं, और हम लोग पार्वती होटल पहुंचने वाले हैं, और पार्वती होटल दिखाते कैसा है। हम लोग पार्वती होटल पास पहुंच चुके हैं, और ये पीछे जो देख रहे हैं जो इतना बड़ा सा है, ये पार्वती होटल है, और इसके बारे और दिखाते कैमरा घुमा के। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कैथा मंदिर, जो कि शिव भगवान का है, और ये प्राचीन काल से चलते हुए आ रहा है। और इस मंदिर का 7 रूप है, जो कि 2 रूप हम लोग के घर के पास है और बाकी है पर पता नहीं हम लोग को। तो आप सभी को मंदिर का थोड़ा सा जो होता है ऊपरी छोर दिखाते हैं कैसा दिखता है। पीछे जो लाइट वगैरह देखे हैं वही मंदिर का ही है, जो ऊपर छोर दिख रहा है शिव मंदिर का ही है। और ये खुद से ही निर्माण हुआ वो मंदिर है, जो कि बहुत समय से ही चला हुआ आ रहा है। इस जगह पर पूजा हमेशा शिव भगवान का शिवरात्रि ये सब में पूजा होता है, और यहाँ पे जो अभी हम लोग कोठार ब्रिज पे आ चुके हैं, और जो कि कोठार ब्रिज हमारे ये साइड में है, और हम लोग इसको चढ़ेंगे एक साइड से, और सभी को इधर क्रॉस हो जा। इधर आ रहे सभी को, थक गया लगभग, और अभी तो दर्द दे रहा है बहुत यार मेरा। अभी हम लोग कैसा ब्रिज चढ़ चुके हैं, और हम लोग आगे माया टुंगरी जाने के लिए आगे बढ़ ही रहे हैं, और हमारे जो कैथा ब्रिज है वो पीछे छूट रहा है। धीरे धीरे देख सकते हैं पीछे वो लाइट जो है कैथा ब्रिज का ही है, और ये जो ध्रुव है थोड़ा सा कर रहा है, जो एक थक चुका है और बैठ चुका है कुछ सामने में, और बाकी अभी और रास्ता बाकी है। अभी हम लोग कोठार रेलवे ब्रिज आ चुके हैं, और जो कि पीछे हमारे भाई लोग वीडियो बना रहा है इस शरीर के लिए, और थोड़ा सा बकेती भी कर रहा है, तो आप देख ही सकते हैं पीछे वीडियो में क्या कर रहे हैं ये सब। और आगे और भी मस्ती होगा, आप सभी इस वीडियो पे बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें इस वीडियो को और सपोर्ट करें। अभी हम लोग रेलवे ब्रिज के ऊपर है, और हम लोग पहुँचने ही वाले कुछ दूर करे हैं, अभी यहाँ से लगभग 3 या 4 किलोमीटर है, और हम लोग इधर से ही चल के जाएंगे, उसके बाद जंगल पे चढ़ेंगे, और आप सभी को वहाँ का जो व्यू है बनता है वो सब दिखाएंगे। और इस व्यू वो जो आगे एक बड़ा सा चोटी दिख रहा है, हम लोग को उसी जगह पे जाना है। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो हम लोग अभी 3 किलोमीटर हो सके तो चल के ही चलेंगे, दौड़ेंगे नहीं, कहे कि थक जाएंगे, कहे कि पीछे जंगल है, और जंगल पे अभी पानी वगैरह मार रहा है, बरसात का दिन है तो कीचड़ है और फिसलन भी है, तो हम लोग थोड़ा सा आराम से ही चढ़ेंगे, और आप सभी को दिखाएंगे आगे का व्यू। ओए किधर है, जल्दी आ, डिप्स वगैरह मार रहा है। अभी आप देख सकते हैं ध्रुव का ड्राइवर के साथ में कैसे बात करता है, और आप देखिए ड्राइवर को ही हाई कर रहा है, और ड्राइवर भी हमारा हाई कर चुके हैं। अभी हम लोग 1 किलोमीटर चल चुके हैं, और हमारे पे 2 किलोमीटर अभी बाकी है, और हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि हमारे जो बंट रिशु और ध्रुव है वो पीछे छूट चुके हैं इंचा वीडियो बनाने के लिए, तो वो लोग का आने का अभी वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे।
काफ़ी देर के बाद ये लोग अभी यहाँ पे हम लोग के सामने पहुँच चुका है और अभी देखते हैं ये लोग से बात करते क्या कर रहा था उस जगह पर। इतना लेट ओए मोबाइल जल्दी। तो यहाँ पे पहुँचा, काफ़ी लेट कर रहा था, इंस्टा रील बना रहा था शायद ये भाई मेरा। और अभी ये लोग आए तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी 2 किलोमीटर अभी हम लोग को और चलना है। 2 किलोमीटर चल के वहाँ पे हम लोग को फर्स्ट जो लोकेशन है नीचे का पहाड़ का नीचे का, तो वो हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से शुरुआत करेंगे चढ़ने का और आगे का व्यू जो होता है चढ़ते हुए वो सभी हम लोग दिखाते हुए वीडियो पर चलेंगे। अभी हम लोग माया टुंगे के जस्ट नीचे एक गाँव है, उस गाँव में घुस रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और इस गाँव होते हुए हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। और ये गांव में काफ़ी अच्छा 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 चीज़ है, जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह भी अभी भी यहाँ पे है। आगे देखने को मिलेगा, आगे देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। हम लोग जस्ट माया टुंगी के नीचे है और हमारे पीछे मतलब हमारे राइट साइड में हमारे माया टुंगी का जो पहाड़ और जंगल है वो है देखने को मिल रहा है। तो हमारे रिशु भाई उधर से ही चढ़ रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं, हम और बंटी आगे जा रहे हैं, उधर से ही चढ़ेंगे और देखते हैं आगे और भी कुछ दिखाते हैं। अभी तो बैलगाड़ी हम लोग का इस समय नहीं देखने को मिला, हो सके चले गए होंगे खेत वगैरह, तो आगे देखते हैं। अभी हम लोग कुछ ऊपर आ चुके हैं और हम लोग का जूता जो है वो पूरा भीग चुका है अभी शीत के कारण से, और बारिश हुआ था कल तो इस कारण से पूरा जूता हम लोग का भींग गया है। और आगे अभी और चढ़ते जाते हुए समय को और भी कुछ दिखाएंगे। आप सभी इस वीडियो पर बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो से ज़्यादा तक शेयर करें। बंटी अपना इंस्टा रील की है, वीडियो एडिट कर रहा है, शूट करके वीडियो बना रहा है। और रिशु और ध्रुव आगे बढ़ चुके हैं तो हम लोग भी बढ़ते हैं आगे। अभी उतना देर से चल के ही आके और इतना आधा हम लोग चढ़ चुके हैं एक पहाड़, यहाँ पे 2 पहाड़ है तो एक पहाड़ हम लोग आधा चढ़ चुके हैं। और यहाँ पे थक जाने के कारण आराम कर रहा है, बैठा हुआ है। और बंटी को तो ज़्यादा ही शायद थकान हो गया तो वो रुक भी गए हैं, अब और एक वीडियो अपना हम बना के ही यहाँ से जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग एक पहाड़ चढ़ चुके हैं और अभी थोड़ा सा है बाकी, तो आगे जाके हम लोग अभी इस पहाड़ का जो नज़ारा बनता है सेकेंड पहाड़ का वो दिखाते हैं। फर्स्ट पहाड़ तो जो इसमें मूर्ति है और वहाँ पे मंदिर है उसमें भी एक और है उसको चढ़ेंगे, तो हम लोग आगे मतलब वो मंदिर को दिखा पाएंगे वहाँ पे जाके। तो यहाँ पीछे देख ही सकते काफ़ी पेड़ है और यहाँ पे ध्यान से सुनने से यहाँ का जो आवाज़ आ रहा है, जो कि भी यहाँ पक्षी लोग है या जो भी जीव जंतु है यहाँ का, वो लोग को ध्यान से सुनने से यहाँ पर आवाज़ वो लोग के आ रहा है, तो आप सुन सकते हैं ध्यान लगा के। तो अब हम लोग पूरा एक पहाड़ को कंप्लीट करके चढ़ चुके हैं और यहाँ पे लगभग घुटना इतना घास है सभी का, यहाँ पे थोड़ा कम है, आगे और ज़्यादा घास है जो कि पूरा जूता हम लोग को भीग चुका है। और यहाँ का लोकेशन आगे हम लोग जाके भी आप सभी को दिखाते हैं यहाँ का। और जो फर्स्ट तो हम लोग को तो कम्प्लीट हो गया, सेकेंड जो जिस जगह पर मूर्ति है या मंदिर है माता का वो हम लोग अभी दिखाएँगे वहाँ पर जाके। यहाँ हम लोग पूरा ऊपर चढ़ चुके हैं और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो बनाया जा रहा है, सब अपना रील्स वगैरह बना रहा है। तो आप पीछे जो देख रहे हैं वो पहाड़, अभी हम लोग उस पहाड़ पे चढ़ना है, सबसे ऊपर जाना है और आप देख सकते हैं कितना घना है। और अभी और भी हम सब तरफ व्यू ले लेते हैं एक बार घुमा के कैमरा, तो इधर जिधर घूमते तो सिर्फ जंगल ही जंगल नज़र आता है। और यहाँ पर थोड़ा कम पेड़ है क्योंकि ये ऊपर में ही है, सबसे ऊपर में अभी इस कारण से। और जो हमारे जो मंदिर वाला जो पहाड़ है वो इससे भी ऊंचा है, इसमें तो जल्दी चढ़ गए, वो तो और भी ज़्यादा टाइम लेगा और घना भी है, तभी उसमें जाते हैं कुछ देर के बाद चढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पीछे शूट कर रहा है रिशु बंटी का, जो इंस्टा रील वीडियो के लिए गलती कर चुका है तो फिर से शूट करेगा। हाँ, इस बार देखते क्लिप इस बार ही लोग शूट कर पाता है या नहीं कर पाता है। वाह, चलो सूट तो हो चुका है, देखते हैं बंटी को पसंद आता है या नहीं आता है वो सूट। वीडियो खास नहीं है, फिर से बनेगा बंटी को इस समय वीडियो, बंटी को भी इस वक्त वो वीडियो सूट तो पसंद नहीं आया तो फिर से सूट करना है। इस बार सूट हमको करने को मिल रहा है तो देखते हैं इस बार हम सूट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये लोग का रील्स वीडियो सूरज वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं,
हम लोग अगले पहाड़ से उतर रहे हैं इस पहाड़ पे और अगले पहाड़ चढ़ने के लिए जा रहे हैं और चलते हैं आगे सभी को दिखाते हुए आराम से गिरते हुए, कहीं पानी मारा है तो फिसलन है इस जगह पे अभी और ज़्यादातर का अब डाउन है इस एरिया में और थोड़ा पत्थर भी है नीचे जो कारण से बैच स्लिप कर रहा है। तो आगे भी और चलते हैं और इसके बाद और एक पहाड़ चढ़ना जो आप सभी को दिखाते हैं कितना घना है वो जंगल। हम लोग इसी पहाड़ पर चलेंगे और देख सकते हैं काफ़ी घना है, आप सबको थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि अभी तो हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा जूम वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि फट जाएगा फोटो। तो देख सकते हैं काफ़ी घना है तो इसी जंगल पर भी हम लोग चढ़ेंगे।